नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आप 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय करनाल की मंगल कॉलोनी में खड़े हैं, जहां पर बता रहे हैं कि चार चार आप दमकल की गाड़ियां देख सकते हैं, जहां पर बता रहे हैं एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई है। और आपको बता दें कि आग की लपटें भी काफ़ी ज़्यादा उठ रही थी और यहाँ पर फिलहाल चार चार गाड़ियाँ आप दमकल गाड़ियों की जो है देख पा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, जो कि कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। भैया किस चीज़ की फैक्ट्री है ये पता है कुछ? किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये पैकिंग मटेरियल की फैक्ट्री है, पैकिंग मटेरियल बनता है मोनोकार्टन वगैरह जो फार्मा में यूज होते हैं मेडिसिन। अच्छा अच्छा, पैकिंग मटेरियल की फैक्ट्री है। हाँ जी। कितनी देर पहले लगी आग? ये अराउंड हो गया 45 मिनट्स हो गए। 45 मिनट्स हो चुके हैं। हाँ जी। तो मतलब कैसे आग लगी? मतलब अब ये ऑनर हैं, वो अंदर हैं, उनको वो अभी अंदर ही है। हाँ जी। तो अभी फिलहाल जो है आग बुझा ली गई, अभी आग कोशिश कर रहे हैं काबू कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो पैकिंग मटेरियल की फैक्ट्री है, जहाँ पर ये देख लीजिए आग की लपटें जो हैं सामने आप देख पा रहे हैं, जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं आग की लपटें जो हैं उठ रही हैं। और फिलहाल बता रहे हैं कि जो ऑनर है वो फिलहाल अंदर है, उन्हीं से ही पूरी जानकारी जो है वो मिल पाएगी। और जिसके बाद जी जी सर, आप ही की शॉप, आप ही क्या? नहीं, मेरी नहीं, मैं तो वैसे आया। वैसे कोई कोई व्यक्ति नहीं, बिल्कुल 100% आदमी का बचाव। और नुकसान वगैरह हुआ? नुकसान जो हुआ वैसे पूरा बचाव, वैसे प्रभु की कृपा है। तो फिलहाल यहाँ पर जो बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति है वो फिलहाल हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बचाव जो है वो फिलहाल हुआ है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पैकिंग मटेरियल की फैक्ट्री है जिसके अंदर आग लगी हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वो मौके पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि काफ़ी भयानक ये आग लग गई। अचानक कैसे ये आग लग गई, फिलहाल आग का कारण जो है ये हर बार की तरह आपको बता दें कभी पता नहीं लग पाता, लेकिन शॉर्ट सर्किट भी कारण हो जाते हैं ऐसे में। तो यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि जो चार चार गाड़ियाँ हैं दमकल की, वो लगातार पहुँच कर जो है इस आग को बुझा रही हैं और बता रहे हैं कि लगभग 30 से 40 मिनट जो है हो चुके हैं इस आग पर काबू पाने का प्रयास करते हुए, जिसके बाद ये मंगल कॉलोनी में आप देख पा रहे हैं जो दमकल की जो गाड़ियां हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं आग को बुझाने का। हालांकि फिलहाल नुकसान बहुत ज़्यादा जो है फिलहाल बता रहे हैं कि हुआ है। सर ये बता रहे हैं पैकिंग मटेरियल की फैक्ट्री है, यहाँ पे पैकिंग मटेरियल की फैक्ट्री है। हाँ। तो ये कितनी देर पहले लगी थी? भाई ये 1 घंटा खड़ा हो गया। अच्छा, 1 घंटा हो चुका है। तो फिलहाल जो है अभी देख रहे हैं कि जो आग है उसे बुझाने का प्रयास जो है वो फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और तो फैक्ट्री किस नाम से है, किस नाम से फैक्ट्री है क्या नहीं पता हमारे? अच्छा, ये नहीं। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि सर आप ही की फैक्ट्री है ये? मैं इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पूरे। अच्छा अच्छा। तो सर ये मतलब आग कैसे लगी, कुछ पता लगा क्या? अभी तो कारणों का तो पता लगेगा। 2 लड़के अंदर थे, वो बच गए हैं, उनको बाहर निकाला। 2 लड़के अंदर थे, बच गए हैं? वो बच गए हैं, हल्की फुल्की चोट लगी थी, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आग से बहुत नुकसान हो गया है। मैं जब से आग लगी है तब से बार बार बोले जा रहा हूँ कि गाड़ियाँ इकट्ठी भेज दो, एक एक गाड़ी करके आ रही है, एक एक करके कर रही है। इस हिसाब से तो 2 घंटे और लग जाएंगे आग बुझाने की। गाड़ियाँ जो है वो मतलब कि इकट्ठी 10-15 गाड़ियाँ आ जाएँ तो आग 15 मिनट बुझ जाएगी चारों तरफ से अगर उसे कर दें तो। लेकिन अभी यहाँ पोजीशन ये है, एक गाड़ी आती है खाली होती है, दूसरी आ रही है, इस तरीके से 2 घंटे और लग जाएंगे आग नहीं बुझती और सारा नुकसान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो संभले नहीं संभलेगा उसे। नुकसान सर काफ़ी नुकसान हो गया, वो ज़्यादा करोड़ों का नुकसान हो चुका है इसके अंदर। पैकिंग मटेरियल होता था, कोई पैकिंग मटेरियल का काम था, यूज़ होता है फार्मा की पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन कई करोड़ों का नुकसान तो हो चुका है ऑलरेडी। हो चुका है करोड़ों का नुकसान। अभी भी गाड़ियाँ इकट्ठी आके चारों तरफ से लग जाएंगी तो नुकसान कुछ बच जाएगा, अदरवाइज और नुकसान हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मनोज अरोड़ा। हाँ, तो आप यहाँ के सर क्या है? मैं प्रेसिडेंट हूँ इंडस्ट्रियल एरिया का। आप प्रेसिडेंट है पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का? अभी वजह का नहीं पता लगा है। किस नाम से फैक्ट्री है? नाम पैकेजिंग का नाम है शर्मा जी की फैक्ट्री। जी 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 जी। जो ऑनर है सर उनका क्या नाम है? इनके वर्कर लगे हुए हैं, फायर वाले नहीं है। आप यहाँ पे दिखाना मैडम एक बारी, ये हमारे अपने वर्कर वहाँ चढ़ के गए हुए हैं, फायर डिपार्टमेंट का कोई बंदा अंदर नहीं गया, सब बाहर से खड़े कर रहे हैं, ये हमारे अपने बंदे जाके करवा रहे हैं काम। अच्छा, मतलब तो ये जितने भी आगे खड़े हैं आप ही के आदमी खड़े हैं? हमारे आदमी खड़े हैं अंदर जो खड़े हैं। जी 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 जी। तो यहाँ पर फिलहाल बता रहे हैं कि जो जितने भी व्यक्ति सामने खड़े हैं बता रहे हैं कि कुछ जो दूसरी तरफ है यानी इस तरफ बता रहे दमकल के लोग हैं, तो इस तरफ इनके खुद के ही फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो खुद आग बुझाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो सवाल है वो कहीं खड़े होते हैं सुरक्षा को लेकर, कि जब जिस तरीके से कभी कोई आग लग जाती है तो ऐसे में जो दमकल विभाग है कहीं ना कहीं उसके बारे में भी जो ढील है उसकी जो ढील है वो यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो भी समय पर नहीं पहुँच रही हैं। अभी तक 4 गाड़ियाँ आई हैं, उनका कहना है कि जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी देर बाद जो है पहुँच रही हैं और ऐसे में नुकसान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नुकसान जो है वो धीरे धीरे क्योंकि आग भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में अभी फिलहाल अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं कि जो
आग है, आग की लपटें हैं वो कितनी ज़्यादा उठ रही हैं, और नुकसान जो है वो करोड़ों रुपए बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए का, क्योंकि काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। और जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो गाड़ियाँ हैं वो, क्योंकि एक घंटा जो है वो लगभग होने वाला है आग को लगे हुए, लेकिन अभी तक जो है फिलहाल जो आग है उस पर काबू नहीं पाया जा सका, क्योंकि उनका कहना है कि जो दमकल की गाड़ियां हैं वो लगातार सही तरीके से सही रफ्तार से जो है वो काम नहीं कर रही हैं। तो यहां पर ये भी ज़रूर है कि फिलहाल कहीं ना कहीं काफ़ी खतरा जो है इस काम में ज़रूर है, क्योंकि जो दमकल के जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जान की परवाह भी जो है करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे में जो नुकसान है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दो लोग अंदर थे, फिलहाल उन्हें बता दिया कि वो सेफली उन्हें बाहर निकाल लिया, हल्की फुल्की उन्हें चोट जो है वो फिलहाल आई थी, लेकिन वो उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। तो फिलहाल जो है ये करनाल के ही मंगल कॉलोनी के पास इंडस्ट्रियल एरिया के पास ही एक फैक्ट्री जो कि पैकेजिंग का सामान यहाँ पर बनता था, और यहीं पर बता रहे हैं कि जो फार्मा के प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर फिलहाल देखने वाली बात होगी कब तक जो है ये आग बुझती है, क्योंकि एक घंटे के आसपास जो है होने वाला है, और लगातार जो है फिलहाल जो आग है वो लगी हुई है, और फिलहाल जो आग है वो अभी तक भी बता रहे हैं कि अंदर बढ़ रही है, अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि जो दमकल विभाग के जितने लोग हैं फिलहाल अब सीढ़ियां जो हैं वो इस्तेमाल करके और जो है दूसरी तरफ से रास्ता बनाकर जो है वो जाएंगे, ताकि दूसरी ओर से भी आग को बुझाया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि आग की लपटें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फैक्ट्री आपको बता दें काफ़ी बड़ा ये एरिया है, जहाँ पर अंदर जो प्लास्टिक पैकेजिंग का सामान जो होता है फार्मा के प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए, उसमें जो है ये इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर अचानक से आग लगी। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि कारण जो है ये पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो है ये तो बाद में पता चल पाता है, और पता चल पाता है या नहीं पता चलता ये भी बात की बात होती है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल यहाँ पर जो है आपको बता दें कि लगातार ये देख लीजिए, मैं आपको वो दिखाना भी चाहूँगा, ये देख लीजिए फार्मा के प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए जो सामान होता है, ये देखिए हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यही जो एक फैक्ट्री के बाहर पड़ा हुआ है, शायद ऐसा ही मटेरियल अंदर भी मौजूद है। तो ऐसे ही मटेरियल में जो है फिलहाल आग लगी हुई है, क्योंकि उसमें गत्ता भी होता है तो वो लगातार आग जो है वो पकड़ता है, और ऐसे में अभी फिलहाल उसको बुझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि वो लगातार आग को पकड़ता रहता है, और अंदर जितना माल है वो लगातार जलता जा रहा है, करोड़ों का नुकसान बता रहे हैं अंदर हो चुका है, और फिलहाल जो दमकल की गाड़ी है वो लगातार अपना काम जो है करती नज़र आ रही हैं। और फिलहाल आसपास के आप देख सकते हैं जो लोग हैं फिलहाल आसपास के, वो भी कहीं ना कहीं जो है देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आसपास का एरिया है वो कहीं ना कहीं ज़रूर परेशान ज़रूर है, कि इस तरीके से अचानक आग लग जाना, कि किस तरीके से एक बड़ा नुकसान जो है देखने को तस्वीरों में मिल रहा है। तो आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, फिलहाल देखने वाली बात होगी कितनी देर तक जो ये आग है बुझ पाती है। हालांकि फिर भी पहले से काफ़ी हद तक जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है, और अभी जो है फिलहाल देख सकते हैं कि जो आग है उस पर काबू पाने के लिए लगातार जो पानी की बुछारें हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पानी की बुछारें लगातार जो है करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल जो आग है उस पर लगभग काबू जो है वो पा लिया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल तो आपको बताना चाहेंगे, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। फिलहाल आप लोगों से भी निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपके किसी भी शोरूम के अंदर, किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में ऐसा कोई भी माल है तो कोशिश करें, क्योंकि अचानक से कब हादसा हो जाए कहना मुश्किल है, और ऐसे ही काफ़ी बड़ा हादसा ही देख लीजिए, आग की लपटें बिल्कुल ठीक ऊपर ही आप देख पा रहे हैं, आग की लपटें जो हैं फिलहाल अंदर की तरफ जो जल रही हैं, और धुआं ही धुआं आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और जिस तरीके से ये नुकसान कहीं ना कहीं उन्हें झेलना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये भी उनका कहना है कि जो दमकल की गाड़ियाँ थी वो भी कहीं ना कहीं जो रफ्तार थी उनकी काम करने की वो भी काफ़ी ज़्यादा धीमी थी। तो आपसे पहले स्टूडियो में शेयर जो करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।